But I was sick. आज फर्स्ट टाइम मैं इतना लेट ब्लॉग बना रही हूँ. दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि आज ब्लॉग बनाऊंगी, फिर सोचा आज कुछ डांस प्रैक्टिस करूंगी और भी बहुत कुछ है तो वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि अगर आपसे शेयर नहीं किया तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा. तो आप रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ. अभी मैं जाऊँगी, मेरा एक स्टूडेंट है उसे पढ़ाने के लिए, तो उसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं घर पे आ जाऊँगी. आकर डांस प्रैक्टिस करूँगी, वो भी आज रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँगी. आप बताना कि मैं कैसा डांस करती हूँ. और मेरा वो दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप प्लीज़ उसे लाइक कॉमेंट शेयर कर देना. तो आप रहिए मेरे साथ, मैं जाती हूँ स्कूल टीचर वहाँ पे आके आपको दिखाती हूँ. आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो चुका है. मैं अभी जा रही हूँ स्टूडेंट को पढ़ाने इसके घर. तो आ चुकी हूँ. अभी मैं दिखाती हूँ मेरा जो स्टूडेंट है वो कितना नॉटी है. वेट कीजिए. मैं आ चुकी हूँ और यही मेरी स्टूडेंट जो अभी गोलगप्पे खा रही है. पढ़ाई के नाम सुनते हैं उसके तो हो जाती है. और वो क्या देख रही है आप लोग देखिए, कार्टून देख रही है. और यही उसकी मेकअप की जगह, आप देख सकते हैं सब कुछ. तो आप देख लीजिए मेरे स्टूडेंट को एक बार फिर से अच्छे से, वो क्या कर रही है. मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ और ख़त्म करके घर जाके अपना डांस प्रैक्टिस और जो भी कुछ करूँगी वो सब शेयर करूँगी आपसे. तो आप रहिए मेरे साथ. गाइस आप देख सकते हैं मैं उसे पढ़ा रही हूँ और उसके पढ़ने का तरीका आप लोग देख लीजिए. बैठ के नहीं पढ़ सकती है, हमेशा सो के ही पढ़ती है. देखिए ना कैसे देख रही है आप लोगों को, आप भी देख लीजिए. तो मैं उसे पढ़ाना ख़त्म कर लेती हूँ. तो गाइस मैं पढ़ाना ख़त्म करके आ चुकी हूँ घर पे. और अभी मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे खाना पकाना पड़ेगा. तो मैं किचन में जाती हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ. तो मैं भी आ चुकी हूँ किचन में और अभी मैं खाना पकाऊँगी. तो मैंने सोचा क्या पकाऊँ, इसलिए मैंने कुछ छोले भिगो के रखे थे. तो छोले मसाला बनाऊँगी, आप देख सकते हैं. तो मैं अभी मैं पकाने की तैयारी करती हूँ. तब तक मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊँगी. तब रहिए मेरे साथ. तो आप देख सकते हैं मैं छोले को पकने के लिए कुकर पर बिठा चुकी हूँ और यहाँ पर इन्हें पेस्ट करने के लिए भी रेडी कर चुकी हूँ. तो मैं इन्हें पेस्ट करके आती हूँ और कुकर भी अभी सीटी मार ही देगी तो मैंने रेडी कर लेती हूँ. तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने छोले सारे पक चुके हैं, वो भी अच्छे तरीके से. तो मैंने अब पका के आपसे मिलती हूँ. तो मैंने खाना पकाना कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं कैसा बना है. तो अभी मैं थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद डांस प्रैक्टिस करूँगी. तो तब आपसे फिर से मिलेंगे. तो गाइस अभी टाइम हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम डांस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कल ही शूट करना है और टाइम भी नहीं है. तो अब गाना तो ज़रूर सुन रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं. आप देखिए तो
उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपको दिखाया है। तो कल सुबह जब हम शूट पे जाएंगे तब फिर से मिलते हैं, और आज के लिए गुड नाइट, कल सुबह का इंतज़ार कीजिए, सुबह मिलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के मैंने वीडियो करना भूल गई थी, तो अब पूरा रेडी होके आ चुकी हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम दोनों को, हम तैयार हो चुके हैं, होकर आ चुके हो। आप ज़रूर बताना हमें कैसा लग रहा है, और अभी हम वीडियो शूट करेंगे, घर जाके आपसे बात करती हूँ।